वेलकम बैक टू माई चैनल नोकिया लुमिया 525 एंड्रॉयड वंस अगेन। और इस वीडियो में जो आपने टाइटल पढ़ा है, जी हाँ, वो बिल्कुल सही है। जो आप ये विंडोज़ 10 का पीसी वर्जन है जो आप यहाँ देख सकते हैं, पीसी में जो एक्चुअल विंडोज़ 10 चल रही है, जो आपकी विंडोज़ 10 मोबाइल है वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो एक्चुअल में जो पीसी की विंडोज़ 10 है, ये फुल विंडोज़ 10 जो आप पीसी में चलाते हैं, ये पूरी की पूरी विंडोज़ 10 आप विंडोज़ फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि आप विंडोज़ 10 जो पीसी वर्जन है उस विंडोज़ को आप विंडोज़ फ़ोन में कैसे चला सकते हो, तो उसको हम इस वीडियो में इंस्टॉल करेंगे। और आप पर स्टेप्स प्रोसीजर देखना, और जो जो लूमिया डिवाइसेस फ़िलहाल इसमें सपोर्टेड हैं, काफ़ी हाई एंड डिवाइसेस इसमें सपोर्टेड हैं, और एक दो नहीं, आई थिंक 10-12 लूमिया डिवाइसेस फ़िलहाल सपोर्टेड हैं, तो शायद आगे जाके और भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप जैसे पूरी पूरी विंडोज़ 10 जो पीसी में आपकी चल रही है उसकी मदद से वो आप विंडोज़ फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, तो आप विंडोज़ 10 में पीसी की ऐप्स को भी रन कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी विंडोज़ 10 की जो exe ऐप होती है, या वो सारी की सारी आप विंडोज़ फ़ोन में रन कर सकते हैं, और आपका सिम फंक्शनैलिटी भी चलेगी और कैमरा भी चलेगा, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए हम पूरी की पूरी विंडोज़ जो पीसी वर्जन विंडोज़ है उसको हम विंडोज़ फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए, जो जो इसके लिए फ़ाइल्स चाहिए होंगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लेना। और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर, और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसा वैसा फॉलो करना। तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपकी बैटरी जो है फ़ोन की वो एटलीस्ट 80% या अबव हो, तो उससे कम ना हो, क्योंकि ये प्रोसीजर टाइम लगेगा। और आपकी फ़ोन अगर बीच में डेड ख़त्म होगी आपकी फ़ोन की बैटरी, तो आपका फ़ोन डेड हो सकता है, ब्रिक हो सकता है। तो चलिए हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है जो आपको चाहिए विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के लिए अपने विंडोज़ फ़ोन में। तो वो दोनों फोल्डर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनको एक्सट्रैक्ट कर लेना, और ये दो फाइल्स आपके पास आएंगी, विंडोज़ ऑन आर्म इंस्टॉलर और ये इमेज फाइल है। तो इमेज फाइल जो हम ये पूरी विंडोज़ 10 की इमेज फाइल, जैसे ये देख रहे हैं आप, जैसे पूरी विंडोज़ होती है तो वैसे ये इमेज फाइल भी है अपनी विंडोज़ फ़ोन की, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। बट उससे पहले हमने क्या करना है, ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। तो इस फोल्डर में जाएं, विंडोज़ ऑन आर्म 32 और ड्राइवर डाउनलोडर, और इसको रन करें। और यहाँ जैसे ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपने अपनी डिवाइस को सिलेक्ट करना है, ये पूछेगा कि आपने कौन सी डिवाइस का ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं। तो फिलहाल जो मेरे पास डिवाइस है ये नोकिया लुमिया 1520 ATNT मॉडल है, तो ये नंबर 4 पर है, तो मैंने नंबर 4 यहाँ पर प्रेस करके एंटर कर देना है। तो इसने वो सारे ड्राइवर्स जो इस डिवाइस के लिए चाहिए हमें, वो इसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। जस्ट वेट कीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को आराम से करना, कोई जल्दबाजी मत करना, आपकी डिवाइस ब्रिक हो सकती है। और इसकी मदद से आप विंडोज़ 10 जो पीसी वर्जन है, विंडोज़ 10 मोबाइल की बात नहीं कर रहा मैं, बार बार कह रहा हूँ, मैं विंडोज़ 10 पीसी वर्जन, पूरा पूरा विंडोज़ 10 जो पीसी में चलती है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज़ फ़ोन में, और फिर आप कोई भी ऐप रन कर सकते हैं, व्हाट्सएप या अपने विंडोज़ फ़ोन, ठीक है। तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये देखिए ड्राइवर्स हो चुके हैं डाउनलोड। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने वो ऐप ओपन करनी है, विंडोज़ ऑन आर्म 32 इंस्टॉलर, जिसने आपकी विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना है आपके विंडोज़ फ़ोन में। तो इसको ओपन कर लेंगे हम, यस, और ये हमें स्टेप्स बताएगा कि हमें क्या क्या करना है, तो उसको फॉलो करते रहना। तो ये देखिए हमें ये पूछ रहा है कि आपने कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है, विंडोज़ RT या विंडोज़ 10। विंडोज़ RT है आपकी विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 है जो आपका फुल विंडोज़ 10 PC है। तो हम विंडोज़ 10 को क्लिक करेंगे,
और आपने कौन सा मेथड है, ये इन्फो मेथड, जो पहला मेथड है ना, इसको क्लिक करना है। मेक योर डिवाइस फुली चार्ज, अनलॉक योर डिवाइस, बूट एंड रिफोर्स टू मास स्टोरेज मोड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपके पहले तो अपने ड्राइवर, जो डिवाइस के ड्राइवर्स हैं, जो इस डिवाइस के ड्राइवर्स हैं, उनको डाउनलोड कर लें, वो हमने अभी कर लिए हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि अपना डिवाइस का जो वो है, बूट लोडर को अनलॉक करें पहले। तो हमने क्या करना है, विंडोज़ फ़ोन इंटरनल्स में जाना है। तो मेरे पास जो डिवाइस है लूमिया 1520 है, और ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए विंडोज़ फ़ोन इंटरनल। इसकी मदद से पहले आपने अपना ओरिजिनल FFU फाइल को फ्लैश करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे फ्लैश, फ्लैश ओरिजिनल FFU। तो हमने यहाँ से ओरिजिनल FFU सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये मेरी डिवाइस है लूमिया 940, ये रही लूमिया 940, और यहाँ से मैंने ये FFU सेलेक्ट कर ली। तो इसको हमें कर देना है फ्लैश, रीबूटिंग फ़ोन टू फ्लैश मोड। अब वो ओरिजिनल FFU है जो है इसकी, वो इसमें फ्लैश कर देगा। ये देखिए फ्रैशिंग ओरिजिनल FFU। तो अगर आपके पास ये, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना फ्लैश ओरिजिनल FFU में यहाँ जाके, तो वो आपनी FFU फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, और जो भी पाथ होगा जहाँ पे आपकी FFU फाइल डाउनलोड हुई होगी, वो अपने आप वो PC ऑटोमेटिकली आपका बता देगा। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो यहाँ आपने डाउनलोड में जाना है, मैं इसके बाद आपको बताऊँगा, कुछ नहीं करना, आपने यहाँ डाउनलोड में जाना है। तो उसके बाद वो आपकी डिवाइस को डिटेक्ट कर लेगा कि आपके पास कौन सी डिवाइस है, और वो अपने आप वो ओरिजिनल FFU उस डिवाइस की डाउनलोड कर देगा। तो जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगी, आपने फिर से फ्लैश में जाके उसको फ्लैश कर देना है। और इसकी डायरेक्टरी कहाँ होती है, जहाँ ये स्टोर होती हैं, अगर मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये होती कहाँ पे स्टोर है FFU फाइल्स, तो माई PC में जाएँ, लोकल डिस्क में प्रोग्राम फाइल्स x86 माइक्रोसॉफ्ट, ओ सॉरी, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी आई थिंक लिटिल बिट कन्फ्यूजन, लेट्स सी अगेन। तो प्रोग्राम फाइल्स एडिट, ओ सॉरी, तो हाँ आपने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, ये प्रोग्राम डाटा में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम डाटा में जाएंगे, तो यहाँ पे जाना है आपने पैकेजेस में, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट में जाके आपने जाना है अपने पैकेजेस में, प्रोडक्ट्स में, और ये रहा आपकी RM की डिवाइसेस। तो ये आपकी सारी लूमिया डिवाइसेस, जितनी भी विंडोज़ फ़ोन इंटरनल सॉफ्टवेयर FFU फाइल्स डाउनलोड करेगा, वो सभी यहाँ पे डाउनलोड होगी इस पाथ में। ये देखिए इस पाथ को देख लेना, लोकल सी, प्रोग्राम डाटा, माइक्रोसॉफ्ट, पैकेजेस और प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप, यहाँ FFU फाइल डाउनलोड होगी, तो यहाँ पे जाके आप मैनुअली FFU फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए FFU फाइल, ठीक है। तो जैसे ये FFU फ्लैश कर देगा उसको, उसके बाद हमने क्या करना है, बूट लोडर को अनलॉक करना है। तो हम उसकी भी वेट करेंगे, पहले इसको फ्लैश होने देते हैं। फ्लैश सक्सेसफुल, ओके, वेटिंग फॉर द कनेक्शन। अब ये डिवाइस को ऑन करेगा, तो डिवाइस आपकी रीबूट हो चुकी है दोबारा से। तो ये सिर्फ एक जनरल सेटअप है, इसको आप जल्दी जल्दी से सेटअप कर लें। तो नेक्स्ट, एक्सेप्ट और स्किप, नेक्स्ट, रिकमेंडेड, नेक्स्ट,
साइन इन लेटर, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये ऐप्स फिनिश हो चुकी हैं इंस्टॉल और ये सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपने ओरिजिनल FFU को सक्सेसफुली फ्लैश कर लिया अपने विंडोज़ फ़ोन में, और चलिए आगे के स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, बूट लोडर को अनलॉक करना है। तो हाँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास FFU फाइल नहीं है तो पहले आपने डाउनलोड में जाना है, और यहाँ पे ये देखिए, ये अपने इसकी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन सर्च आ गई है। यहाँ पे आपने सर्च पे क्लिक करना है और ऊपर देखेंगे तो आपने आपकी विंडोज़ फ़ोन की फ़ाइल्स आ जाएंगी। ओ सॉरी, नीचे देखेंगे तो आपकी विंडोज़ फ़ोन की FFU और एमरजेंसी फ़ाइल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपने कर लेना डाउनलोड ऑल। जैसे डाउनलोड ऑल कर लेंगे तो जो पाथ मैंने आपको बताया था वहाँ पे वो FFU फाइल को डाउनलोड कर देगा। तो उसके बाद आप यहाँ से जाके उसको फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा बूट लोडर को अनलॉक करना। तो इन ऑर्डर टू स्टार्ट अनलॉकिंग बूट लोडर, फ़ोन नीड्स टू बी स्विच टू फ्लैश मोड। ओके, तो फ़ोन हम फ्लैश मोड में स्विच कर रहे हैं। तो अब हम इसका बूट लोडर अनलॉक करेंगे। इसने ऑटोमेटिकली वो सारी फाइल्स जो है सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप यहाँ पे अनलॉक पे सेलेक्ट करिए तो वो आपका वो फाइल सारी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अगर नहीं हुई तो आपने खुद कर लेनी है। कोई सिंपल, बहुत सिंपल है वो। क्लिक जैसे ही करेंगे तो वो आपका ब्राउज़र ओपन कर देगा। तो वहाँ से आपने इसकी FFU फाइल सेम पाथ से सेलेक्ट कर लेनी है, तो आपका वो बूट लोडर भी अनलॉक कर देगा। और अब वो फ़ोन को मास स्टोरेज मोड में बूट अप कर रहा है। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फ़ोन का बूट लोडर कैसे अनलॉक करना है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बूट लोडर को कैसे अनलॉक करना है फ़ोन का। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि योर फ़ोन में अपीयर टू बी इन रूट बूट लूप, कि बार बार वो स्विच ऑफ स्विच ऑन होता रहेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को इंटरफेयर मत कीजिए, घबरा के ये USB को डिस्कनेक्ट मत कर देना कि ये बार बार ऑन ऑफ क्यों हो रहा है, ठीक है। ये इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये ऐसा वो करेगा जब उसने बूट लोडर को अनलॉक करना है। तो जस्ट वेट कीजिए, जैसे ही वो कर लेगा बूट लोडर को अनलॉक, आपको कुछ टाइम के बाद वो प्रॉम्प्ट दे देगा कि बूट लोडर सक्सेसफुली अनलॉक्ड। तो जब तक वो नहीं होता तब तक आप वेट कीजिए। और सबसे सही वाली बात ये है इस टाइम कि आप पूरे के पूरे PC वर्जन की जो विंडोज़ 10 है उसको आप विंडोज़ फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। और उसकी मदद से क्या होगा कि आप विंडोज़ फ़ोन में कोई भी ऐप जो PC में आप रन करते हो, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, जो भी हैं, गूगल क्रोम, वो सारी की सारी आप विंडोज़ फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपका विंडोज़ फ़ोन दोबारा से लाइव हो जाएगा, डेड से। आप इसको डेली लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो उसने कहा था कि यू नीड टू मैनुअली रीसेट योर फोन नाउ, द फोन इज करंटली इन मास्टर मोड, टू कंटिन्यू द अनलॉक सीक्वेंस द फोन नीड्स टू बी रीबूटेड, कीप द फोन कनेक्टेड टू PC, रीबूट द फोन मैनुअली बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग द वॉल पावर बटन ऑफ द फोन फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स। तो इस फोन के पावर बटन को पहले ये रीड जरूर कर लेना, क्योंकि हर फोन का प्रोसीजर डिफरेंट है। तो इसके लिए कह रहा है कि बस उसका पावर बटन को होल्ड करके रखिए 10 सेकेंड के लिए, जब तक वो वाइब्रेट नहीं करता। तो जैसे वाइब्रेट करेगा उसको छोड़ देना है, तो वो अनलॉक सीक्वेंस को रिज्यूम कर देगा। तो ये हो चुका, उसको मैंने रिलीज़ कर दिया। तो अब वो अनलॉक सीक्वेंस को इनिशियलाइजिंग फ्लैश उसने फिर से रिज्यूम कर दिया प्रोसीजर। तो फिर से वेट कीजिए।
वो फ्लैशिंग प्रोफाइल को ढूंढ रहा है, तो जैसे उसको मिल जाएगी वो इसको अनलॉक कर देगा। तो बस अपने फ़ोन को ऐसे कनेक्टेड रखें, डिसकनेक्ट मत कीजिए, और फ़ोन को चार्ज ज़रूर कर लेना ये करने से पहले, क्योंकि आप अगर आपकी डिवाइस बीच में ब्रिक हो गई या डिसकनेक्ट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो ये देखिए उसको मिल गया, तो फ्लैशिंग अनलॉक्ड बूट लोडर पार्ट टू, पहले उसने पार्ट वन किया था, पार्ट टू कर रहा है। बूट लोडर अनलॉक्ड सक्सेसफुली, तो बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। ओके, अब फ़ोन दोबारा से रीस्टार्ट होगा, तो वेट कीजिए इसको रीस्टार्ट होने की। और ये सॉफ्टवेयर हमें क्या कह रहा था कि उसको वेट कीजिए, उसको बूट लोडर अनलॉक करने के बाद उसको मास स्टोरेज मोड में लेके जाएं दोबारा से, ठीक है। तो हमने उसको दोबारा से मास स्टोरेज मोड में लेके जाना है फ़ोन को, तो पहले इसको वेट कीजिए इसके बूट अप होने की। जैसे ये बूट हो जाएगा, ये देखो बूट हो गया, बूट लोडर अनलॉक हो गया, तो काफ़ी है अभी बैटरी 73% है। तो अब हम जाएंगे मास मैनुअल मोड में, क्लिक कीजिए तो यहाँ से आएगा स्विच फ़ोन टू मास स्टोरेज मोड, ये देखिए। तो इसको क्लिक की दिए तो अब वो फ़ोन को मास स्टोरेज मोड में स्विच कर देगा। और अब बड़े ध्यान से देखना बिल्कुल प्रोसीजर, अब जल्दबाजी मत करना। नाउ रीबूटिंग फ़ोन टू मास स्टोरेज मोड। तो देखिए, यू कैन नाउ एक्सेस फाइल सिस्टम ऑफ़ योर फ़ोन फ्रॉम योर पीसी एट ड्राइव ई। तो वो अब यहाँ पे जाके आपने देख लेना है कि आपका फ़ोन जो मास्टर मोड में तो आ चुका है, बट उसको लेटर कौन सा साइन हुआ है, ई लेटर, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है, ई लेटर साइन हुआ है। तो ठीक है, चलो अब हम जाते हैं इसमें। तो इसमें आपने डिवाइस अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, मेरी है लूमिया 1520 AT&T। डज़ योर डिवाइस हैव वर्किंग फिजिकल कैमरा बटन, येस। तो अपनी डिवाइस की स्टोरेज चेक कर लेना किस इससे पहले कि कितनी स्टोरेज है आपकी, इंटरनल स्टोरेज जो है। तो मेरी 16 GB वर्जन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। डू यू वॉन्ट टू डूअल बूट, तो इसका मतलब है कि वो दो ऑपरेटिंग सिस्टम आके साइड बाय साइड चलेंगे, विंडोज़ फ़ोन भी चलेगा और विंडोज़ 10 भी चलेगी। तो डूअल बूट को येस कर देना। तो अब वेट कीजिए, तो अब हमने उसकी विम फाइल को सेलेक्ट करना है विंडोज़ की, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको। तो अब हम इसकी विम फाइल को सिलेक्ट करेंगे, तो ओ सॉरी, तो ये देखिए, ये 10.0 वाली, यहाँ पे आपने सोर्सेज में जाना है, और ये देखिए इंस्टॉल डॉट विम फाइल आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, इंस्टॉल डॉट विम वाली, इसको सिलेक्ट कर लेना आपने। तो अब कहता है मेन OS पार्टीशन को सिलेक्ट कीजिए, ये हमारी मेन OS पार्टीशन है। ओके, तो चलिए अपने उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, बस आप इसकी वेट कीजिए। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, तो बस आप इसकी अब वेट कीजिए। ठीक है, तो रिपीट कर लें कौन से स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले आपने अपने डिवाइस को फुली चार्ज कर लें, उसको ओरिजिनल फ्लैश उसका, सबसे पहले आपने ड्राइवर्स को डाउनलोड करना है जैसे मैंने बताया। उसके बाद आपने डिवाइस को फुली चार्ज किए, उसके बाद हमने इसका ओरिजिनल FFU फ्लैश किया, उसके बाद हमने इसका बूट लोडर अनलॉक किया, उसके बाद हमने यहाँ पे आके जैसे मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं वो सारे कर लेना। तो उसके बाद हम बस ये अब इंस्टॉल करेगा इसको, और जैसे ये इंस्टॉल कर देगा हम विंडोज़ 10 देख पाएंगे अपने विंडोज़ फ़ोन में। और विंडोज़ 10 मोबाइल नहीं, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, विंडोज़ 10 मोबाइल की बात नहीं कर रहा मैं, विंडोज़ 10 वर्जन, जो PC का वर्जन है विंडोज़ 10 जो हम ये सामने देख रहे हैं, ये विंडोज़ 10 चलेगी आपके विंडोज़ फ़ोन में। तो जस्ट आप वेट कीजिए अब। तो अप्लाई कर रहा है वो विंडोज़ इमेज को, और जो ये फाइल्स फोल्डर्स आपको चाहिए वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर लेना।
तो आपका ये फ़ोन इसके बाद डुअल बूट हो सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि आप विंडोज़ फ़ोन भी चला सकते हैं और विंडोज़ 10 भी चला सकते हैं पीसी अपने फ़ोन में, जो आप भी सिलेक्ट करोगे वो चला सकते हैं आप। तो अब विंडोज़ 10 आप अगर चला सकते हो आपके फ़ोन में, तो विंडोज़ 10 की जो भी एप्स आ रही हैं आज की डेट में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो इन्होंने विंडोज़ फ़ोन के स्टोर से निकाल दी थी, वो आप सारी इंस्टॉल कर सकते हैं आप अपने विंडोज़ फ़ोन में, और अपने विंडोज़ फ़ोन को डेली यूज़ डिवाइस बना सकते हैं आप। और ये तो चीज़ थी विंडोज़ 10 को कैसे इंस्टॉल करना है अपने विंडोज़ फ़ोन में। तो हाल ही में एक और वीडियो आई है जो बता रही है कि विंडोज़ 11 जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, विंडोज़ 11, उसको आप अपने विंडोज़ फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, वो पूरी की पूरी विंडोज़ 11 को। तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनाऊंगा आपके डिवाइसेस के लिए। तो तब तक के लिए आप इसको इंस्टॉल कीजिए और इस पे ऐप्स को रन कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। बट हाँ, जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये सारा प्रोसेस करने से पहले वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर आपकी डिवाइस बीच में ब्रेक हो गई किसी कारण के वजह से। क्योंकि जल्द ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपकी डिवाइस ब्रेक हो सकती है, तो फिर आपका पूरा डिवाइस डेड हो जाएगा, उसका फिर रिवाइव नहीं कर सकते आप। तो बड़े ध्यान से और आराम से करना, कोई जल्दबाजी मत करना। तो हम वेट करते हैं जब तक ये इसको करता है, उसके बाद हम दोबारा वीडियो को ऑन करेंगे। ये देखिए, ऑलमोस्ट उसने विंडोज़ इमेज को अप्लाई करने के बाद ऑलमोस्ट अब ये लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप्स में आ चुका है। तो जैसे ये ड्राइवर्स को इंजेक्ट कर देगा, उसके बाद आपका फाइनली यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि उसने कर दिया, सक्सेसफुली डन हो गया है। तो जैसे वो हो जाएगा, उसके बाद हम फिर आगे करेंगे। तो ये देखिए, आपको टाइम भी बता रहा है कि 5:15 पे उसने ये किया, ऐसे ऐसे ये किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये देखिए, ये प्रोसीजर टाइम लेता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी डिवाइस कितनी फास्ट है, आपका विंडोज़ फ़ोन और आपका पीसी कितना फास्ट है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। अगर दोनों स्लो हैं या एक भी स्लो है तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने विंडोज़ फ़ोन को चार्ज ज़रूर करके रखना फुल, नहीं तो बीच में ब्रिक हो सकता है। तो जैसे ये हो जाएगा, तो उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो ये देखिए, इन ऑर्डर टू इनेबल डुअल बूट यू मस्ट रन द इनेबल डुअल बूट बैट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द रूट ऑफ योर फोन सी ड्राइव आफ्टर गेट बूटेड। तो ओके, तो डन हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि फ़ोन क्या कहता है हमें। चलिए हम फ़ोन को बूट करते हैं। अब लेट्स बूट दिस फ़ोन। पावर बटन को दबा के रखें।
अब हम इसको डिसकनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डिसकनेक्ट हो चुकी है आपकी डिवाइस, अब इसको हम बूट करते हैं। पावर बटन को दबा के रखें। तो ये देखिए डिवाइस ने वाइब्रेट किया है, अब डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है। तो जैसे ये ऑन होगी ये देखिए आ गया ऑप्शंस। तो विंडोज 10 प्रेस F8, तो आपने पावर बटन को दबाना है, ओ सॉरी कैमरा बटन को दबाना है, तो वो विंडोज 10 में बूट कर देगा आपकी विंडोज़ फ़ोन को। वॉल्यूम अप एंड डाउन से आपने ऊपर नीचे जाना है, और जो कैमरा शटर की है तो उसकी मदद से आप उसको डुअल बूट सॉरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा शटर की नहीं है जिन विंडोज़ फ़ोन में, वो पावर बटन यूज़ करेंगे। तो ये देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम ये विंडोज़ 10 जो PC वर्जन विंडोज़ 10 है उसको बूट अप कर रहा है। तो ये टाइम लेगा, तो हम देखते हैं अब ये आगे क्या करता है। तो ये देखिए, कभी देखी थी ऐसी लोडिंग विंडोज़ फ़ोन में? हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये विंडोज़ 10 का PC वर्जन है, फुल विंडोज़ 10 आपने विंडोज़ फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया। अब तो अब आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्हेंसमेंट्स है, परफॉर्मेंस है, वो ऑप्शंस हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आपके विंडोज़ फ़ोन के लिए। तो अब दोबारा से आप अपने विंडोज़ फ़ोन को काफ़ी हद तक डेली लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल जो डिवाइसेस सपोर्टेड हैं उन्हीं डिवाइसेस पे इंस्टॉल करना, अभी दूसरी डिवाइस पे इंस्टॉल करने की कोशिश मत करना, डिवाइस ब्रेक हो जाएगी। तो जैसे ही नई डिवाइसेस भी ऐड होंगी फ्यूचर में आपको उनको बता दूंगा मैं, तो आप उनको भी दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम वेट करते हैं इसको, जैसे ये बूट हो जाता है। आई थिंक ये दोबारा से रीस्टार्ट होगा। ये आपकी विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो चुकी है। तो आपका जो जो नॉर्मल पीसी सेटअप होता है तो वो आपका दिखा रहा है इसमें। तो जैसे ही आप इसके पीसी सेटअप कर लेंगे तो आपकी विंडोज़ 10 जो है वो चल पड़ेगी इस विंडोज़ फ़ोन में। तो फ़िलहाल जब तक ये सेटअप नहीं होता तब तक ये कोई रोटेशन की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ये बूट अप हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसकी रोटेशन सेट कर दूंगा फ़ोन का। ये देखिए इन्वर्टेड इन्वर्टेड है उसकी, इसीलिए ये वो ऐसे कर रहा है। तो ये देखिए आपकी विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो चुकी है विंडोज़ फ़ोन में। तो जैसे ये बूट अप हो जाएगी उसके बाद हम इस फ़ोन को विंडोज़ 10 के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये रोटेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे ही ये बूट अप हो जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम तो इसकी रोटेशन सेटिंग्स मैं ठीक कर दूंगा। आई थिंक इन्वर्टेड है, जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ वो यहाँ पर क्लिक करता है। तो बस इतनी सी कोई सेटिंग सही करने वाली है, बाकी सब ठीक है। तो ये देखिए आपकी विंडोज़ 10 वो जब हम पिछली थोड़ी देर पहले जब वो देख रहे थे वो लोडिंग कर रहा था ना, तो इसमें मैं That's not a name you can use. Go ahead and try something else. तो इसमें मैं ये देखिए कीबोर्ड भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो कुछ भी नाम फिलहाल रख देते हैं। तो okay, now type
type a password for your account. And one more time to make sure we've got it right. तो इसको मैं सेटअप कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको सेटअप कर लेंगे तो उसके बाद हम विंडोज़ 10 को ऑन करते हैं। तो ये देखिए वो फाइनल सेटअप कर रहा है विंडोज़ का। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको ऑन कर लेंगे। तो ये जो रोटेशन सेटिंग्स है ये दिक्कत दे रही है फ़िलहाल, बाकी तो आपका विंडोज़ फ़ोन में विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो चुकी है। मैं सिर्फ इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही एक तरीका है अभी आपको दिखाने का, क्योंकि जब तक मैं इसकी स्क्रीन रोटेशन सेटिंग्स को सही नहीं करता तब तक ये ऐसे ही करता रहेगा। तो ये देखिए लेट स्टार्ट, और ये रही आपकी विंडोज़ 10। ये लीजिए, करिए जो करना है आपको। ये रही आपकी विंडोज़ 10। अरे यार ये कितनी दिक्कत दे रहा है। तो ये रही आपकी विंडोज़ 10। तो अब आप अपने विंडोज़ फ़ोन में विंडोज़ 10 को सक्सेसफुली चला सकते हैं। ये देखिए जैसे आप रोटेशन जैसे करेंगे तो वैसे ही चलेगी वो, ठीक है। तो यही थी वीडियो। तो स्क्रीन रोटेशन को सेट कर लेना तो आपका विंडोज़ फ़ोन जो है ये देखिए विंडोज़ 10 चलाएगा आपका विंडोज़ फ़ोन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई प्रॉब्लम आए तो लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना कमेंट्स में, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये स्क्रीन रोटेशन सिर्फ आपकी सेटिंग्स में जाके ठीक हो जाएगी, तो उसकी टेंशन आप मत लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।